हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय बीएड फर्स्ट ईयर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा या बच्चे प्रमोट होंगे, और एग्ज़ाम होगा तो कब होगा। देखिए, जो कोई भी अगर आपको ये खबर दे रहा है कि बच्चे प्रमोट हो चुके हैं, ये एकमात्र अफवाह है, इसकी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चे प्रमोट होंगे या एग्ज़ाम होगा, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती इस पर टिप्पणी करना अनुचित है, इस पर टिप्पणी नहीं किया जा सकता। देखिए, मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ इस वीडियो में। ये रिकॉर्डिंग है, एक टॉपर हिंट्स यूट्यूब चैनल है, तो उन यूट्यूबर भाई साहब ने बात करी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, जो एग्जामिनेशन फॉर्म में ऊपर नंबर है उससे, उस पर बात करी उन्होंने। वो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, वो नंबर भी मैं आपको शेयर करता हूँ, अगर आप स्वयं चाहें तो उस पर बात कर सकते हैं। देखिए, बहुत जल्दी कॉल लगता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बात करेंगे, मेरी स्वयं भी बात हुई है, तो उससे वो बस यही रिप्लाई करते हैं कि जैसे ही कोई सूचना आती है आपको वेबसाइट के पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, देख, तो पहले आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, फिर रिकॉर्डिंग के बाद हम बात करते हैं कि इसमें क्या चीज़ें निकल के सामने आ रही है। गुड मॉर्निंग सर, ये बताइए राम मनोहर लोहिया में बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर कब तक हो सकता है? अभी तो कोई डेट निकली नहीं है, कोई डेट प्रस्तावित हो तो बता सकते हैं। मतलब सितंबर में नहीं होगा, अक्टूबर में मतलब उम्मीद। अब अभी तो कोई डेट प्रस्तावित नहीं है, तो क्या बताएं। ये प्रमोट रमोट का कोई चांस नहीं है सर? नहीं, हमें तो लगता है परीक्षा ही होगी। ओके 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 सर, थैंक यू। तो देखा दोस्तों आपने, यूनिवर्सिटी के अंदर जो लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अभी तक कोई डेट प्रस्तावित नहीं है, और उनको भी यही लगता है कि बच्चे प्रमोट नहीं होंगे, एग्ज़ाम होगा। तो ये तो वो उनका ओपिनियन है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं अपने तरफ से आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए, अगर यूनिवर्सिटी प्रमोट करती है तो ये एक चमत्कार होगा, जो कि चमत्कार बहुत कम होते हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी अगर अभी तक इस गुमान में हैं, इस सोच में हैं कि हम प्रमोट होंगे और इस वजह से अगर हमने पढ़ाई छोड़ रखी है, तो ये समझिए कहीं ना कहीं वो आप अपने आप के साथ गलत करें। इसीलिए एटलीस्ट मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए आपके एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर बैक पेपर का एग्जाम डेट आया है। आपने एक चीज नोटिस करी कि वो 14 को डेट शीट रिलीज हुआ और उसमें साफ कहा गया है कि 24 से पेपर होना है, यानी कि 10 दिन पहले ये डेट शीट रिलीज हुई है। क्या हो कि सेम चीज़ अगर आपके साथ हो जाए, अगर कल आपको डेट शीट मिल जाए कि 10 दिन के बाद पेपर होनी है, तो क्या लगता है आपको कि 10 दिनों में 5 सब्जेक्ट्स कवर अप कर पाना इजी होगा आपके लिए? 10 दिन में 5 सब्जेक्ट्स, और एक सब्जेक्ट्स में मिनिमम 5 यूनिट है, 5 इकाई है, तो 25 इकाई, कुछ सब्जेक्ट्स में 7 और 8 और 6 भी यूनिट्स हैं, तो एटलीस्ट 25 इकाई यानी कि 25 यूनिट क्या आप 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में कवर अप कर पाएंगे? इसीलिए मैं हर एक विद्यार्थी से, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर के हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट हर सब्जेक्ट्स के 3 यूनिट आप पढ़ डालिए। ठीक है, 2 यूनिट आप तब पढ़ सकते हैं जब डेट शीट आएगी या नहीं आएगी, एटलीस्ट आपको 3 यूनिट तो ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। अब ये चिंता छोड़ के कि हम प्रमोट होंगे या नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। और एक और खबर ये, जैसे लोग कह रहे हैं कि बुंदेलखंड झांसी यूनिवर्सिटी ने प्रमोट कर दिया, मेरे भाई मेरी बहन, बुंदेलखंड ने पिछले साल भी बच्चों को प्रमोट किया था। वो जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है बुंदेलखंड से, मैं उसका स्क्रीनशॉट पहले आपको दिखा दूं, इसमें क्या लिखा है, पूर्व की भांति, मतलब पिछले वर्ष भी बीएड फर्स्ट ईयर को प्रमोट किया गया था, तो पूर्व की भांति अगर आपका विश्वविद्यालय करते तो आपके साथ क्या होगा? पूर्व की भांति नहीं हुआ था प्रमोट, RMLEU के बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे नहीं हुए थे प्रमोट, तो इस बार की भी संभावनाएं कम है। और देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप प्रमोट हो सकते हैं, एग्ज़ाम होगा, आपको पता है कि दो जो बच्चे सीनियर हैं जिन्होंने 2020 में फर्स्ट ईयर का पेपर दिया था, वो तो ये कन्फर्म मान चुके थे कि हम प्रमोट हो गए, क्योंकि उस समय पूरे इंडिया का आई थिंक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने प्रमोट कर दिया था, पूरे यूपी में ही बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने प्रमोट कर दिया। उस कंडीशन में भी हमारी विश्वविद्यालय इतनी महान यूनिवर्सिटी है कि बीएड बच्चों का एग्ज़ाम ले लिया गया था, वो भी अक्टूबर मंथ एंड में और नवंबर फर्स्ट वीक में बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो गया था। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँ आप सभी स्टूडेंट से, प्लीज़ आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें, और जैसे ही प्रमोट से संबंधित, एग्ज़ाम से संबंधित कोई सूचना आती है, इस चैनल पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा, देखिए मैं शुरू में कभी नहीं कहता कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़िए, ठीक है, मैं एंड में हमेशा कहता हूँ, क्योंकि अगर आपको वीडियो देखने के बाद ऐसा लगे कि जानकारी हेल्पफुल है, आपको मेरे चैनल से जुड़ना चाहिए, तो प्लीज़ आप चैनल से जुड़ जाइए। मैं स्पेशली RMLEU के बीएड से संबंधित वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो ये ज़रूर आपके लिए फायदेमंद होगा। प्लीज़ आप चैनल से जुड़िए, और जैसी कोई अपडेट आती है आपको बताया जाएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी सूचना हो जो आपके महाविद्यालय से मिली हो, या फिर आपके पास ऐसी कोई जानकारी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, या फिर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए, जैसे ही कोई चीज़ें अपडेट आती है आपको बता दिया जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मिलते हैं कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।